लोग देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वक्त मैं संकट मोचन हनुमान मंदिर अटल चौक कस्बा रेउसा में स्थित संकट मोचन हनुमान सिद्ध बालाजी स्थान पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त आज श्रावण महीने का आखिरी रविवार है और कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं की निकल रही है जलाभिषेक के लिए विभिन्न धार्मिक भोले के दरबारों में के लिए। और यहाँ पर विशाल विभिन्न आयोजित विशाल लंगर के रूप में यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। आज श्रावण माह का लास्ट आखिरी रविवार है और सोमवार कल पड़ेगा, जहाँ पर शिव के भोले के दरबार में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु जन पुनः लौटेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कस्बा रेउसा जो एक आस्था का केंद्र बना हुआ है संकट मोचन हनुमान मंदिर, और यहाँ पर बात करते हैं कि जो हनुमान गढ़ी से पधारे और संकट मोचन मंदिर में सेवा दे रहे और श्रद्धालुओं के प्रति काफ़ी उदारवादी सूरजदास महाराज बाबा नांगा और उनके साथ में जो बढ़ चढ़ कर धार्मिक हिस्सा लेते हैं दुलारे सेठ के सुपुत्र छोटू विपिन पोरवाल, उनके घर से छोटू हैं मौजूद हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं कि आज महाराज जी से कि आज जो यहां पर विशाल लंगर के रूप में भंडारा चल रहा है किया जा रहा है तैयारी युद्ध स्तर पर, और पूरी तरीके से आज ये किस उपलक्ष्य में है और आज आखिरी है, पूरी जानकारी लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आज ये जो यहाँ पर विशाल लंगर के रूप में जो भंडारा का आयोजन किया गया है, ये किस उपलक्ष्य में किया गया है और क्या आखिरी है, क्या है पूरी जानकारी? आखिरी कभी होता ही नहीं, सबको साधुवाद जय सिया राम। आखिरी का सबसे नहीं, ये है स्थान, यहाँ चलता ही रहता है व्यवस्थाएँ, तो जब आ जाओ तब भंडारा कर रहो, तब सेवा करते रहो, जब स्थान की तो महिमा ही अलग होती है। तो ऐसा भंडारा जो आज है, इसके विषय की अगर बात है तो ये आज सावन का आज रविवार है, तो आज जो जल भरेंगे नदी से श्रद्धालु सावणिया, वो जल भरकर आज पत्थर शिवाला आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और रक्षाबंधन का पर्व है और भंडारा है, और जल आज भंडारा रविवार के दिन चलाया जाएगा, रात 2 बजे तक चलेगा, इसके बाद सुबह होते होते कावड़ियों का पत्थर शिवालय जल चढ़ जाएगा और आज 51 लीटर का जल आपके कावड़िया यहाँ भी जल चढ़ा रहे हैं। कई बजे चढ़ाएंगे हनुमान मंदिर में? चढ़ गया कि अभी निकलने का सब कावड़िया तैयारी कर रहे हैं, अब देखो कितने बजे वो लेकर आते हैं उसका। बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने कि आखिरी कभी होता नहीं और ये मंदिर है, यहाँ पर हमेशा के लिए कार्यक्रम और भंडारे चला करते हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, काफ़ी ये दुलारे पोरवाल सुपुत्र हैं उनके, और उनके द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जा रहा है, लेते हैं हर धार्मिक कार्यों में। और यहाँ पर श्रद्धालु जन बैठे हैं, बाबा विनोद और बुद्धसागर वाजपेयी जी के सुपुत्र यहाँ पर बैठे हैं, ये श्रद्धालु जन हैं और सेवा भाव भंडारे में करते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर आज पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जन भंडारा कर रहे हैं और कांवड़ियों का जत्था निकल रहा है, प्रसाद छकते नजर आ रहे हैं। ये रेउसा सेठी के अमरेंद्र मिश्र जी हैं और उनके साथ में सहयोगी अमर मिश्रा जी हैं और इनकी पत्नी रेउसा सेठी में बेहतर सेवा दे रही हैं उनके पति हैं। और ये विशाल हलवा का भंडारा यहाँ पर इनके द्वारा श्रद्धालु जन कांवड़ियों को किया जा रहा है और उनके साथ में काफ़ी श्रद्धालु जन यहाँ पर इसमें सहयोग करते नजर आ रहे हैं और कांवड़िए भक्तजन प्रसाद छकते नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। और यहीं पर 51 लीटर का जलाभिषेक भी होगा, जैसा कि महाराज जी ने बताया, पुजारी जी ने, और चहरारी घाट से जलाभिषेक के लिए भरने के बाद प्रस्थान करेंगे पत्थर शिवाला और विभिन्न स्थलों पर, आप देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से मंदिर में एक लंगर के रूप में कांवड़ियों की व्यवस्था की गई है भंडारे की,
और जल भरने के लिए जत्था रवाना हो रहा है और पुनः आ भी रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार पुजारी जिनके अथक प्रयास करते हैं मंदिर के सरकार पुजारी से और यहां पर श्रद्धालु जो इनके अथक प्रयास से विशाल लंगर के भंडारे के रूप में जो देखे जा रहे हैं मंदिर पर, उनके सहयोग से दुलारे के सुपुत्र हैं छोटू पूरी बात करते हैं। पहले महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, आज ये कांवड़ यात्रा कैसी रही और क्या पूरे माह में क्या कहना चाहेंगे? पूरे माह कांवड़ियों का आर्थिक अभिनंदन और यहाँ रहता क्षेत्र की जनता का अभिनंदन जो सबके सहयोग से काटो भंडारा हुए हैं। बहुत जोर शोर से कांवड़ियों की सेवा, भोलेनाथ के भक्तों की सेवा, आज जो है पांच सोमवारों की अपेक्षा चार सोमवारों में भीड़ कैसी रही? भीड़ बहुत रही, 50,000 कांवड़िया रहे। आज मंदिर में भी जलाभिषेक होना है क्या? हाँ, मंदिर में जलाभिषेक होना है और ऐसे हलवा चल रहा है, उन्होंने अपना हलवा का प्रोग्राम किया तो चल रहा है। आप बताए छोटू जी। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पीयूषा मंदिर प्रांगण में विगत कई सालों से सावन मास के प्रत्येक रविवार की शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और उसी क्रम में आज भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं एक कांवर यात्रा एक बड़े विशाल रूप लेती जा रही है क्षेत्र में, जो चहलारी घाट से लेकर के और पत्थर शिवाला बिश्वा में भगवान भोले को जल चढ़ाने की ये कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम को हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि लगातार और बढ़ता जाए और जो पीयूषा मंदिर प्रांगण है इसकी भव्यता और इस तरह के लगातार कार्यक्रम चलते रहें। आज का कार्यक्रम है बहुत ही बढ़िया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यह कार्यक्रम एक विशाल रूप लगातार लेता जा रहा है। सभी कांवरियों का और पीयूषा के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी से मैं आग्रह करूँगा कि शाम को मंदिर प्रांगण में आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ आई रहो? मंदिर पे भंडारा खाने आई थी। वाह, पाजो पाजो।